फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं ये बता रही हूँ कि गर्मी के मौसम बहुत गर्मी पड़ रहा है, जैसे कि देखिए आप देख रहे हैं अभी दोपहर का टाइम है और मैं लंच बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे किचन में कुछ दिखा जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं ना एक सप्ताह पहले बनाना लेके आई थी मार्केट से। तो हम सारे फ्रूट्स को फ्रीज में स्टोर करके रख देते हैं, रख सकते हैं काफ़ी टाइम के लिए, लेकिन हम बनाना को ज़्यादा फ्रीज में हमें स्टोर करके नहीं रख सकते हैं और ज़्यादा टाइम तक बाहर छोड़ते हैं तो वो भी काला हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि बनाना को ना, ये देखिए मैं दिखाती हूँ आप लोग को। ये देखिए, मैंने एक कटोरे में पानी ले लिया। पानी रखने के बाद उसमें जो बनाना का जड़ होता है ना, आप देख रहे हैं, इसमें से हमने काफ़ी सारे बनाने तोड़ के खाए भी है और फिर बाकी जब तीन बनाने बचे हैं और बिल्कुल वैसे कि वैसे ही है जैसे हमने लाया था, बिल्कुल टाइट है। ये देखिए, गला कहीं से भी नहीं गला है बनाना। तो इस तरह से हमने देखा कि पानी में इसके जड़ों को, जो इधर का साइड था बनाना का, ये हमने पानी में डिप करके रख दिया है तकरीबन 1 वीक से। और देखिए, आज 4 दिन हो गया है और बनाना बिल्कुल वैसे ही है, तो बिल्कुल नहीं गला है। जबकि गर्मी में 2 से 3 दिन में बनाना तो गल जाता है, बिल्कुल खाने लायक नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से ट्राई कीजिए और बिल्कुल, मतलब मेरा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि आपका बनाना भी वैसे के वैसे ही रहेगा, काफ़ी दिनों तक आप खा सकते हैं। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपका मेरा ये ट्रिप, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।